हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सीओ विद कमल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और इजी स्लीव का डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। इस स्लीव को बनाने के लिए जो है, मैंने अपर जो स्लीव कट की है वो मैंने 14 इंचेस की कट की है। और जो नीचे हमें पैटर्न बनाना है उसके लिए मैंने जो है एक स्क्वेयर पीस कट किया है, जिसकी मैंने लेंथ और विड्थ जो है 11.2 इंचेस रखी है। और अभी हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और हमें एक और फोल्ड करेंगे। और जो इसका डिज़ाइन है उसके लिए मैंने जो है 5.5 इंच पे मार्क लगाया है। ये मार्क हमें उस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक लगा लेने हैं। इस स्लीव की रेडी लेंथ जो है हो जाएगी बनने के बाद वो 17.5 इंचेस होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग कट करें। और इन्हीं मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है अच्छे से ड्रॉ करके, और इसे कट कर लेना है। और अभी फ्रेंड्स, जो हमें इसका सेंटर है इसे हमें अलग कर लेना है। और अभी जो है हम इसकी राउंड शेप में हमें सिलाई लगानी है। हमें मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे दूसरे एजेस तक राउंड शेप में इसे अटैच करना है। और अभी हम सीधे कट लगा रहे हैं, ये हमें पूरे राउंड शेप में लगाने हैं। और अब जो है हमें इसे सीधा कर लेना है पैटर्न को, और इसे प्रेस कर लेनी है। और अब जो है इसमें हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। हमें इसी तरह से लेस को नीचे रखना है। अगर आप ऊपर की तरफ से भी लगाना चाहती हैं तो आप वैसे भी लगा सकती हैं। आप कोई भी लेस यूज कर सकती हैं, बस आपको ध्यान में रखना है जो लेस राउंड घूम जाए आपको वही लेस लगानी है। और अभी हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, और सेंटर से हमें 1 इंच का मार्क लगाना है। उसके अकॉर्डिंग हमें इस पैटर्न को सेट कर लेना है। आपको ये सेटिंग आपकी मूरी के हिसाब से करनी है। और मैंने इसे पिन लगा दिया है अभी। और अभी जो है हम इसकी मूरी का मार्क लगाएंगे। जितना हमारा पैटर्न रेडी हुआ है उसको मीजर करके हमें ये वाला मार्क जो है लगा लेना है। मैंने 4.7 इंचेस पे लगाया है। और अभी हम जो स्लीव की फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। और अभी जो है हमें स्लीव को सीधा कर लेना है। और जो हमारा पैटर्न हमने रेडी किया है उसे हमें उल्टा कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से हमें हमारी स्लीव को प्लेस करना है, जो हमारी स्लीव का सेंटर मार्क है और जो हमने पैटर्न पे मार्क लगाया था सेंटर का, उसे हमें मिलाना है। और इसी तरह मिलाते हुए हम इसे ऑल अराउंड में सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। ये वाला डिजाइन आप प्लाजो की मूरी पे भी बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद। और ये आपको आपकी कुर्ती और प्लाजो की और भी अच्छी लुक देगा। तो अभी हमें इसे इसी तरह से सीधा कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न अभी रेडी है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप और भी डिजाइन्स की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत से डिजाइन कुर्ती के, स्लीव के, नेक के शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल में, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। तो प्लीज इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।